नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु के विषय में। ये जो आपके घर का दक्षिण और पश्चिम कोना है, दक्षिण और पश्चिम जो कोना है आपका नैऋत्य कोण, यहाँ पर कुछ कार्य तो ऐसे हैं, अगर आप करेंगे उन कार्यों को आप करोड़पति बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि कुछ कार्य ऐसे हैं आपने वहाँ पर कर दिए, घर परिवार में सभी तरह की चर्चाएं होती हैं, समस्त प्रकार के मंगलमय कार्य होते हैं, तो आपको महाविनाश की ओर भी जाना पड़ सकता है। वास्तु को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होंगी, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपके घर में दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, वह जगह शौच के लिए निर्धारित हमारे धर्मशास्त्रों में की गई है, नरक की दिशा मानी जाती है। तो घर में जो भी कोई मंगलमय कार्य है, किसी व्यक्ति का जन्मदिन है या कोई भी मंगलमय कार्य है, किसी बच्चे की वैवाहिक वर्षगांठ है या रिंग सेरेमनी है, किसी भी प्रकार का मंगलमय कार्य दक्षिण पश्चिम के कोने में घर के ना करें। वहाँ पर कोई कमरा है तो वहाँ पर बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के कोई बड़ा एग्रीमेंट ना करें, ठीक है ना। आप कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट करने वाले हैं, बिजनेस व्यापार को लेकर के लिखा पढ़ी होनी है, तो बिल्कुल भी दक्षिण पश्चिम के कोने में वो आपको नहीं करना है। साथियों, वहाँ पर करना क्या है, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई टेंशन है, आपको कोई तनाव है किसी प्रकार का छोटा बड़ा, तो वहाँ पर जो उस तनाव से, टेंशन से संबंधित जो एक चर्चा है आपको, वह वहाँ पर करनी है। ज़्यादातर प्रयास करें वहाँ पर शौच का स्थान बनाएं, वहाँ पर स्नान आदि का स्थान बनाएं। अगर वहाँ पर दक्षिण और पश्चिम के कोने में आप मंगलमय कार्य करते हैं, दक्षिण और पश्चिम के कोने में आप साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके कारोबार के लिए बहुत बड़े स्तर पर घातक सिद्ध हो सकता है। आप तनाव में हैं, उस तनाव से बाहर कैसे आएं, वह चर्चा वहाँ हो सकती है। आप जमीन का लेन देन चाहते हैं तो